बताएं सर, मुख्यमंत्री जी से क्या वार्ता हुई, थोड़ा सा संक्षेप में। मैं उत्तर प्रदेश के आलिम उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती जन स्वास्थ्य रक्षकों और स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बहाली के मामले को लेकर ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल एटा सदर विधायक श्री विपिन कुमार वर्मा डेविड के साथ कल शाम माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के आवास पर उनके साथ भेंट करने गया था। भेंट वार्ता के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन स्वास्थ्य रक्षक बहाली के प्रकरण पर शासन और परिवार कल्याण महानिदेशालय स्तर पर हुई प्रगति के विषय पर हमारी बात सुनी और हमारे सुझावों को सुना। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने परिवार कल्याण महानिदेशालय द्वारा हाल ही में जो समस्त जनपदों की सूचनाएँ और उनके अभिमत को एकत्रित करते हुए जो अपनी आख्या और प्रस्ताव प्रदेश शासन को प्रस्तुत किया गया है उसको उनके सामने रखा और जिसके परिवेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अशोर किया कि हम इस संबंध में प्रदेश शासन से जल्द ही इसकी रिपोर्ट पूरी मंगा करके इस मामले का निर्णय करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सकारात्मक आश्वासन के परिवेश में हम मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष धनीराम सैनी जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री राजेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम शरण झा और सभी प्रदेश कमेटी, राष्ट्र कमेटी और समस्त जनपदों के जितने हमारे जिलाध्यक्ष हैं और नीचे ब्लॉक कमेटियों के हमारे जितने ब्लॉक अध्यक्ष और पदाधिकारी हैं, हम सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सकारात्मक दृष्टिकोण का जन स्वास्थ्य रक्षक बहाली के प्रकरण पर हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, सरकार को धन्यवाद देते हैं और शासन के सभी अधिकारियों, परिवार कल्याण महानिदेशालय को और समस्त जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी इस संबंध में अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने भले ही उसमें कुछ टाइम लगाया परीक्षण में, किंतु उसमें सम्यक रिपोर्ट भेजी और हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद इसमें प्रदेश शासन अब एक बेहतर रिपोर्ट इसमें अंतिम रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष नोट के जरिए भेजेगा और जिसमें सरकार की अप्रूवल मिलने के बाद अब एक तरह से जन स्वास्थ्य रक्षकों की बहाली का जो मामला है वो एक तरह से समाधानित होता हमें दिख रहा है। ये बताइए, आप जन रक्षक कर्मचारियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जन स्वास्थ्य रक्षक कर्मचारियों के लिए, जितने भी हमारे जन स्वास्थ्य रक्षक हैं पूर्व के, जितने भी जन स्वास्थ्य रक्षक योजना में पुराने थे और बाद में अभी भी जितने स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो इस पूरे अभियान और आंदोलन में एक तरह की रीढ़ रहे थे, उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अंततोगत्वा एक लंबे प्रयासों के बाद ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के उन सभी के सहयोग, उन सभी के आशीर्वाद के बूते पर हम इस राज्य के जो मालिक हैं, जिनको अंततोगत्वा एक अंतिम और सर्वोच्च अथॉरिटी के रूप में निर्णय लेना है, उनके दरबार में ये मामला अब पहुंच गया है और निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से सकारात्मक एटीट्यूड दिखाया है उसके प्रति हम जो है पूरी तरह आशान्वित हैं कि मामला हल होगा। और मैं माननीय विधायक श्री डेविड विपिन कुमार डेविड जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने अभी पिछले मानसूनी सत्र के दौरान 25 जुलाई को इसमें नियम 51 के तहत विधानसभा में अविलंबनीय लोक महत्व के विषय के रूप में इस मामले को उठाया था और उसमें शासन का पहला जो वक्तव्य गया था, जो उसमें कहा था कि हम इस मामले में कार्रवाई के प्रति विभाग और शासन पूरी तरह सजग और गंभीर है और उसमें प्रथम स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की गई थी, तो उन्हीं के प्रयासों के बाद हम मुख्यमंत्री जी ने हमें कल शाम जो था चर्चा के लिए, इस विषय पर भेंटवार्ता के लिए टाइम दिया और हमारी बातों को सुना, तो इसलिए मैं विधायक जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक सकारात्मक भूमिका अदा की और आगे भी हमारे साथ उसी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर।